नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। तुर्की के इस्तांबुल में नाइट क्लब पर आतंकी हमला, हमले में 35 लोगों की मौत, कई घायल। दो आतंकियों ने सांता क्लॉस की ड्रेस में नए साल का जश्न मना रही भीड़ पर की फायरिंग। नए साल पर पीएम मोदी ने बजट से पहले दी थोड़ी राहत। किसानों, गरीबों, छोटे कारोबारियों के लिए किया कई सौगातों का ऐलान। मध्यम वर्ग को सस्ते होम लोन की सौगात। पीएम के भाषण को विपक्ष ने बताया उबाऊ। लालू यादव ने कहा, बजट भाषण जैसा था भाषण, दिए जीरो नंबर। शिवपाल यादव ने की प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश। मुलायम से मुलाकात कर इस्तीफे को सौंपा। सपा मुखिया ने अधिवेशन को बताया असंवैधानिक। नए साल पर खुशखबरी, आज से एटीएम से निकलेंगे 4500 रुपए। प्रवासी भारतीय 30 जून तक और अन्य 31 मार्च तक बदल सकेंगे पुराने नोट। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।